एक बार की बात है, एक गांव में गांव वालों ने मिलकर गांव में एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करने के बारे में सोचा। और जब मूर्ति बनाने की बारी आई तो आसपास के सारे क्षेत्र में ढूंढा कि सबसे अच्छी मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति कौन सा है, और उसे बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें अब तक की तुम्हारे द्वारा बनाई गई जितनी भी मूर्ति है उनमें से सबसे सुंदर मूर्ति बनाना है हमारे मंदिर के लिए। उस मूर्तिकार ने गांव वालों की बात मान ली, लेकिन अपनी एक शर्त रखी कि मुझे इस मूर्ति को बनाने के लिए कम से कम एक साल का समय तो लगेगा ही, और हो सकता है कि इससे ज्यादा समय लगे, क्योंकि मुझे सबसे पहले एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पत्थर ढूंढना होगा जिससे मैं मूर्ति बना सकूं, और उस मूर्ति को बनाने में उसके बाद काफी समय लग सकता है। अब गांव वालों ने मूर्तिकार की बात मान ली कि चाहे एक साल लग जाए या उससे ज्यादा भी समय लग जाए, लेकिन हमारी मूर्ति अब तक की सबसे सुंदर मूर्ति होना चाहिए। मूर्तिकार ऐसी मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया और निकल पड़ा सबसे बड़े और अच्छे पत्थर को ढूंढने के लिए। उसने काफी समय तक अच्छे पत्थर की खोज की, लेकिन उसे कोई पत्थर नहीं मिला। उसके बाद वो एक दिन एक जंगल से गुजर रहा था और वहां पर उसे एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर पत्थर मिला, और उसके दिमाग में आया कि मुझे इसी पत्थर से मूर्ति बनाना चाहिए। उस मूर्तिकार ने अपने कारीगरों को बुलाया, उस पत्थर को उठवाया और मंदिर के पास ले जाकर रख दिया, और अगले दिन से काम शुरू करने के लिए आ गया। जैसे ही उसने अपने थैले से छेनी और हथौड़ी निकाली और उसके ऊपर चोट करने लगा, उस पत्थर से आवाज आने लगी कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। वो मूर्तिकार थोड़ी देर के लिए तो घबरा गया, लेकिन उसे समझ में आया कि पत्थर यहाँ पर रो रहा है, बिलक रहा है, क्योंकि उसे चोट पड़ रही है। और मूर्तिकार ने पत्थर से कहा कि मैं तुम्हारे से एक मूर्ति बना रहा हूँ जो कि अब तक की मेरे द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत मूर्ति होगी। उस पत्थर ने चीखते हुए कहा कि मुझे कोई मूर्ति नहीं बनना है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं जहां पर हूं वैसे ही छोड़ दो और मुझे छोड़कर चले जाओ। उस मूर्तिकार ने पत्थर की बात नहीं मानी और फिर से छेनी और हथौड़ी लेकर उसे ठोकने लगा, लेकिन फिर से पत्थर में से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो पत्थर फिर से कहने लगा कि अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। उस मूर्तिकार ने सोचा कि यदि पत्थर ऐसे ही चिल्लाते रहा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, मेरी इच्छा भी नहीं होगी और काम भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे इस पत्थर को यहीं छोड़ देना चाहिए और मुझे किसी नए पत्थर की तलाश में जाना चाहिए। अब इस प्रकार वो मूर्तिकार और कारीगर उसी जंगल में दोबारा गए, क्योंकि जहां पर पत्थर रखा हुआ था वहां पर और भी बहुत अच्छे अच्छे पत्थर रखे हुए थे। तो मूर्तिकार ने सोचा कि वहीं से मुझे कोई और बहुत अच्छा पत्थर मिल सकता है, तो मुझे वहां पर वापस जाना चाहिए। वो मूर्तिकार उसी जगह पर वापस गया और वहां पर उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने अपने कारीगरों को कहा कि इस पत्थर को हम वहां पर ले चलते हैं और इससे मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। अब अगले दिन से फिर से काम शुरू हुआ और उसके बाद फिर से हथौड़ी और छेनी निकाली गई और उस पत्थर पर बार बार चोट की गई, लेकिन उस पत्थर से कोई भी आवाज नहीं हुई। और ऐसे ही करके बार बार वो मूर्तिकार उस पत्थर पर छेनी और हथौड़ी से मारने लगा, और लगभग इस प्रकार से एक साल बीत गया। एक साल के बाद बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बनकर तैयार हो गई। सारे गांव वालों को देखने के लिए बुलाया गया और सभी लोग बहुत ही खुश थे कि देखिए कितनी सुंदर मूर्ति बनी है, साक्षात भगवान। अब जब मूर्ति और मंदिर दोनों का ही निर्माण हो चुका था तो मूर्ति की स्थापना का दिन तय किया गया और सारे गांवों में खबर भिजवाई गई कि मूर्ति की स्थापना का ये दिन है, आप सभी को पूजा पाठ के लिए आना है। और इसके बाद हजारों की संख्या में लोग वहां पर मूर्ति की स्थापना के लिए पहुंचे। खूब आरती हुई, पूजा पाठ हुई और मूर्ति की पूजा की गई। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जब पूजा पाठ समाप्त हो गई तो उसके बाद नारियल फोड़ने की बारी आई। किसी ने पूछा कि इस नारियल को मैं कहां पर फोड़ूं, तो वहीं पर एक पंडित था, उसने कहा कि देखो बाहर पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, हर व्यक्ति नारियल वहीं पर फोड़े। और उसके बाद सारे के सारे लोग उस बड़े पत्थर की ओर गए और वहां पर नारियल फोड़ने लगे, और उसके बाद बाहर रखा हुआ वो पत्थर फिर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि अरे ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, अरे ये मेरे ऊपर नारियल क्यों फोड़ रहे हो। लेकिन उस पत्थर की आवाज अब किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो पत्थर देख पा रहा था कि जो दूसरा वाला पत्थर बाद में आया था वो आज मूर्ति बन चुका था और वो लोगों के द्वारा पूजा जा रहा था। लेकिन वो खुद के बारे में भी जानता था कि मेरे ऊपर आज सारे के सारे लोग सिर्फ नारियल फोड़ रहे हैं। यहाँ पर दो पत्थर थे, एक पत्थर तो भगवान बन गया जिनके सामने लोग पूजा पाठ करने लगे, अपना नतमस्तक करने लगे, लेकिन दूसरा पत्थर वो था जिसके ऊपर लोग सिर्फ नारियल फोड़ते रहते थे। हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी वही दिन चल रहे हो, वही समय चल रहा हो जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर छेनी और हथौड़ी से वार कर रहा हो, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपकी मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन आपको दर्द हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, तकलीफ हो रही होगी। अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं,
पहला रास्ता है कि आप अपने आप को उस मूर्ति बनने में सहयोग करें, आप एक अच्छा इंसान बनने में अपने आप का सहयोग करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो कि कई लोग करते हैं, उस पहले पत्थर की तरह आप भी मना कर सकते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं आलसी बनूंगा, मैं कामचोर बनूंगा और अपने जीवन में कभी भी सफल बनना नहीं चाहता। आप सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो, जैसा कि पहला पत्थर चाहता था। वो चाहता था कि वो भी अच्छा बने लेकिन अपने ऊपर किसी भी प्रकार का वार सह नहीं पाता था। हो सकता है कि आपके जीवन में भी आज ऐसे लोग हों जो कि आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हों, जो कि आपको अच्छा नहीं मानते हो। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये आपको तय करना है। जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत की छेनी और हथौड़ी अपने ऊपर चलने देंगे, उसके बाद आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि मेहनत हमेशा खामोशी में होती है, क्योंकि आपकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचाती है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।